हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केके टेक। आप ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैं बात करने जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के बारे में। आज बिग बिलियन डे का फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे में ये मोबाइल, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं कंसिडर करते हैं, ये टीवी अप्लायंसेस को, फैशन, लाइफस्टाइल और होम एंड फर्नीचर को कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली लोगों को लाइफस्टाइल में या होम एंड फर्नीचर में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे गैजेट्स दीदी बताऊंगा, कुछ ऐसे मोबाइल्स बताऊंगा जो रियली अ गुड डील है आपके लिए बाय करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं। कैटेगरीज किस हिसाब से है, कैटेगरीज है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। कैटेगरीज इसकी दो और तीन तरह की कैटेगरीज है। सबसे पहले कैटेगरी है जो हमारा लोअर सेगमेंट होता है, बजट सेगमेंट, जैसे मतलब 5 से लेके 10,000 के बीच बीच में। उसके बाद जो हमारा सेगमेंट आता है 10 से लेके 20,000 के बीच बीच में, और उसके बाद आता है हमारा 20 से लेके 30, 35, 40,000 तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 से लेके 10,000 के बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे क्रैकिंग डील है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। एक तो रेडमी 4A आपको जो एक बेस्ट डील है जो आपको मिलेगा क्रेडिट का, SBI डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ 6299 का। नॉर्मली ये 7,000 का फोन है तो ये आपको 6300 में मिलेगा, तो ये डील बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं जो 10,000 के बीच बीच में फोन है, तो वो है नेक्स्ट मोटो सी प्लस। इस पे भी आपको 1000 ऑफ मिल रहा है। अब इस पे SBI का भी आपको मिल जाएगा 600 रुपए और लेस हो जाएगा, तो ये 5400 में मिलेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया डील है। उसके बाद इन्फिनिक्स होट 4, इस पे भी आपको 6500 का है और इसमें आपको लगभग 600 लेस कर लो, 650 लेस कर लो, तो ये आपको 5800-5900 के पास पास मिलेगा। ये जो पैनासोनिक का फोन है ये कंसीडर मैं नहीं करता। उसके बाद ये पैनासोनिक का रेस 7100, ये भी अच्छा फोन है, ये भी आपको कंसीडर मैं करता हूँ इसको। उसके बाद 500 भी ठीक है। असूस का Zenfone 4 सेल्फी मस्ट कंसीडर फोन है। आपको एक तो सेल्फी कैमरा अच्छा मिल रहा है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है 10,000 के बीच में, तो ये एक गुड डील है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और फोन है जो बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको उसके भी बताने वाला हूँ। ये जो आईवॉमी है, इसका जो Mi 3S है, ये भी काफी फोन अच्छा है। तो आई कंसीडर कि अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो ये भी फोन अच्छा डील है। उसके बाद बात करते हैं अब हम नेक्स्ट फोन की। नेक्स्ट फोन मैं आपको कंसिडर करने जा रहा हूँ जो 10 से 15,000 के बीच बीच में या 20,000 के बीच में। तो इसमें तो फ्रेंड्स बेशुमार फोन्स हैं जो मतलब सेल में है। एक तो ये हुवाई का P9, तो हुवाई का जो ये P9 है ये 15,000 का, वैसे नॉर्मली ये कह रहे 40,000 का है, बट एक मेरे को लगा नहीं कि इसमें 40,000 का कुछ है। उसके बाद Honor 6X ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम। और जो सबसे क्रैकिंग डील है इस फोन में, ये तो लिनोवो की 8 प्लस, मैं टेंटेटिव अभी बता सकता हूँ कि अगर ये 11,999 रुपये का है तो ये आपको 10,999 में मिल जाएगा। उसके बाद MI A1 पे भी आई बेट कि ये आपको SBI पे 10% लेस मिलेगी, तो ये 13,500 में मिलता है, तो ये छोड़ने वाली बिल्कुल चीज नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स MI Max 2 2,000 पक्का लेस जाएगा इस पे, तो आपको 15,000 और उसके ऊपर भी आप लगा लो SBI का 10%, 1500 और कम हो गया, 13,500 में क्रैकिंग डील है ये। तो अगर 15,000 में भी मिलता है तो यार बेस्ट डील है। उसके बाद Redmi Note 4 कमाल कर दी यार, 2,000 कम कर दिया सीधा ही 11,000 में, तो ये भी एक बेस्ट डील है। उसके बाद Samsung ने भी तो कमाल किया हुआ, Samsung भी कुछ फोन है जिसपे आपको बहुत ज्यादा अच्छी डील मिल रही है 10 से 20,000 के बीच बीच में, तो मैं आपको वो बताता हूं। तो On5 On7 हम 10,000 कैटेगरी के, इन बिटवीन 10,000 है वो भी कैटेगरी में, J7 3 Pro, हाँ यार मैं सॉरी ये बताना भूल गया, J5 6 9490 रुपीज पे बेस्ट डील है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्नैपड्रैगन है, सैमसंग का भरोसा है, चाहे 2-1.5 साल पुराना फोन है बट अच्छा है। अब जो बेस्ट 15-16,000 का फोन है ओनेक्स 64GB, 13,000 का ये, इसपे ऊपर SBI का आपको 10% लेस हो गया, तो 13,000 में से आप 10 और कम कर दो 11,700 में। J7 Prime मार्केट में इतना है, मार्केट में सबको सस्ता मिलता है, अब यहां से मत खरीदिएगा। उसके बाद ऑन मैक्स ये गुड डील है, 15,900 रुपये पहले लेस कर दिया इन्होंने और इस पे भी आप लगा लो 1500 लेस और लगा लो, तो 14,400 में पड़ना, ये भी गुड डील है।
G7 Pro पे कोई लेस नहीं, आपको C9 Pro पे कोई लेस नहीं, मार्केट में ये दोनों फोन ज्यादा सस्ते मिलते हैं। उसके बाद बस अब बात करते हैं हम अपर सेगमेंट की। तो अपर सेगमेंट में जो सबसे क्रैकिंग डील है वो है गैलेक्सी S7। वो आपको 29,990 रुपये में उसके ऊपर 3,000 ऑफ मिल रहा है रेगुलर एक्सचेंज पे। यानी कि अगर आपका पहले फोन ये 4,000 का काट रहे थे, अब 7,000 का काटेंगे। तो अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो ये आप बीच में कटवा के ये ले लो। तो अगर आपका बजट 25,000 के बीच बीच में है तो ये बेस्ट डील है, 3-4 हजार खर्च के ज्यादा गैलेक्सी S7। उसके बाद S8, उसमें भी इन्होंने आपको लेस कर रहे हैं, 57,900 का है, तो यहाँ पे आपको 53,900 का मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फोन्स थे जो आप मस्ट बाय कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ जो टॉप नॉच, मतलब जो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। एक तो रेडमी नोट 4 ले लो यार, 11,000 में बेस्ट डील है। उसके बाद एक ऑन नेक्स्ट मी मैक्स 2 और MI A1, अगर ये 15,000 से कम होता है तो, यानी कि मतलब इस पे SBI कार्ड मिलता है तो। एक K8 Plus, फोन बहुत अच्छा है प्रोसेसर वाइज, ठीक है हीलियो का है बट पी सीरीज का है, ओके है। आपको इसका अंतुतु बेंचमार्क 62,000 के पास पास मिल जाता है, जो 625 के साथ बराबर है। उसके बाद इसमें आपको 4 GB RAM वाला भी आप कंसीडर कर सकते हो, अगर ये आपको 9,500 10,000 के बीच बीच में मिल जाता है। बट 3 GB वाला भी आपको डे टू डे में रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मैं ये आपको जो टॉप टॉप आप बता रहा हूँ, जो आप एक S7 अगर आपका बजट हाई है, या फिर P9 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको सारे फोन्स बता दिए हैं जो जो फ्लिपकार्ट पे बेस्ट डील्स हैं। अब आप चूज करिए कि आपका प्राइस सेगमेंट कितना है और आप कितने में खरीदना चाहते हैं। तो मैं तो कंसीडर करूंगा जो बेस्ट है, मैं अपनी तरफ से आपको बता दिए। फिर भी अगर मैं दो चूज करता हूँ तो रेडमी नोट 4 और ऑन नेक्स्ट, दोनों ही दो दी बेस्ट फोन है, आप दोनों में से एक कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।